अजमेर के आदर्श नगर स्थित न्यू केसरी कॉलोनी में चोरों द्वारा इंजीनियर के सुने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़ित दीपावली का त्यौहार मनाने एक घर गया हुआ था, वापस अपने किराए के मकान पर लौटा तो सारा सामान बिखरा हुआ मिला। इंजीनियर ने मामले की शिकायत आदर्श नगर थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तो हम सब लोग यहाँ से, दिवाली का त्यौहार था तो धनतेरस के दिन 22 तारीख को सब लोग यहाँ से चले गए। उसके बाद हम 10-15 दिन बाद में, क्योंकि हर बार का होता है हमारा, क्योंकि लेट बाहर का स्टाफ होने की वजह से लेट आते हैं हम। जी जी। तो मैं जैसे यहाँ पे 7 तारीख की मॉर्निंग 10 बजे यहाँ आया तो गेट पे ताला टूटा हुआ पाया। जैसे एंट्री की तो बाहर हमारा मोटर रखा हुआ था पानी चढ़ाने का, तो वो नहीं था और वहाँ टूटा हुआ था। तो मैंने सोचा कि पता मकान मालिक आया होगा या लेके चला गया होगा। लेकिन जैसे मैंने मेन गेट खोला तो जो हालत मकान की देखी तो अंदेशा हुआ कि कुछ ना कुछ सामान हमारा गायब हो गया है। फिर मैंने जैसे जैसे आया अंदर सब रूम में घूम के देखा तो पूरे सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं। पूरे बाथरूम में तोड़ फोड़, सब जगह तोड़ फोड़ कर दी है। उसके बाद जैसे मुझे लगा कि हमारे रूम पे चोरी हो गई है तो मैं सीधा यहाँ से पुलिस थाने चला गया। पुलिस थाने, आदर्श नगर पुलिस थाने गया तो वहाँ से दो बंदे हमारे साथ में हाथों आ गए मौका मुआयना के लिए। उन्होंने मौका मुआयना किया, उन्होंने पाया कि पास में कैमरा लगा हुआ है। तो उन्होंने हमारे को सजेस्ट किया कि आप एक बार इसमें फुटेज देख लो, तो उसी के बेसिस पे अपन FIR कर देंगे। FIR के लिए मना नहीं किया उन्होंने। तो हमने हमारे लेवल पे वो फुटेज देखे तो उस फुटेज में कुछ बंदे नज़र आ रहे हैं, उन्होंने किस तरह से वारदात को अंजाम दिया है, बट उनके क्लियरली फेस वगैरह दिखाई नहीं दे रहे हैं और ना उनको बाइक नंबर कुछ पता चल रहा है। एक बाइक तो हमारी लेके गए, दूसरी बार खुद की पर्सनल बाइक से आके उन्होंने वारदात।